दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दो दो औरतें खड़ी हैं, एक उधर वाली आप पहचान लीजिए कौन है, और इधर वाली तो मैं आपको बता नहीं सकता कौन है, आप लोग खुद ही पहचानिए। ये दोनों बहन हैं, और उधर वाली कौन है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इधर वाली कौन है ये भी कमेंट कीजिएगा। और देखिए यहाँ पर पानी पूरी खा रहे हैं, और वहाँ पर मेरे बच्चे भी दोनों लड़कियाँ हैं वो भी पानी पूरी खा रही हैं, और मेरा बाबू भी खा रहा है पानी पूरी। और ये देखिए ये बंदा भाग रहा है, शर्मा रहा है कि वीडियो में क्यों मेरे को कैद कर रहे हो। ये दीपक फास्ट फूड कॉर्नर, ये भी बेचैन है बहुत देर से, बेचारा कह रहा है कि हमारा दुकान का वीडियो बनाओ, इनका दुकान का वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तब तक फ़िलहाल इन लोगों से मिल लेते हैं, तब तक इनको देखते हैं। बाबू ये बहुत छुप रहा है, क्या बात है, बहुत शर्मा रहा है बेचारा। ये देखिए यहाँ पर चाउमीन और छोला इनका सबसे बेस्ट है पूरा। यहाँ फास्ट फूड वाले भैया से बात करते हैं, चलते हैं। का हो पानी हो, क्या बहुत है पानी, पिया पिया पिया। यहाँ पे चार चाउमीन, मोमोज, बर्गर, मंचूरियन और सब कुछ मिलता है। और मतलब क्या नाम है, मतलब कि हमेशा जो नाम इसका, मतलब कि आपका दुकान का जो नाम है दीपक फास्ट फूड कॉर्नर, जो पटना का मशहूर चार चाउमीन है। तो पटना के रहने वाले हैं आप लोग, ये जो दुकान स्पेशल पटना में लगा हुआ है, पटना में लगा हुआ है, बट हम लोग हैं बक्सर के। बक्सर के हैं, मतलब कि जहाँ जहाँ फंक्शन होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बन रहा है बाबू, तुमको तो पहले कैद करूँगा, तुम कहाँ भाग के जाओगे, आओ भागो। इसका नाम टमाटर लाल है, इसका नाम टमाटर लाल है। हाँ हाँ, इनका वीडियो ज़्यादा बनाई है। वो देखो, वो छोटू देखो, क्या कह रहे हो, देख लो। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? पवन कुमार। पवन कुमार, तुम भी सब कुछ बना लेते हो? हाँ, बर्गर, चाउमीन, मंचूरिया, छोला सब बना लेते हो। कितने कारीगर हैं यहाँ पर? यहाँ पर पांच कारीगर हैं। पांच कारीगर, मेन मालिक कौन है? मेन मालिक वो बड़े भैया हैं। वो हैं, उनका क्या नाम है? दीपक फास्ट। दीपक फास्ट, अच्छा उन्हीं का नाम है? हाँ उन्हीं का नाम है। चलो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अभी हम लोग दीपक फास्ट फूड से मिले हैं, और यहाँ पर देखिए मेले में जलेबी वलेबी कितना सुंदर सुंदर बन रहा है, और यहाँ पर बच्चे लोग, यहाँ पर मेले में आप लोग देख सकते हैं भीड़ लगना चालू हो चुका है। और ये हमारे क्या बोलते हैं, साले साहब भी लगेंगे, पड़ोसी हैं मेरे घरवाली के, बगल के ही हैं ये सब, उनके भाई लगेंगे सब। और ये देखिए ये मगरमच्छ वाला झूला है, इसको शायद आप लोग जानते होंगे कौन सा झूला बोलते हैं। यहाँ पर टिकट विकट कटने की तैयारी चल रही है, अभी ज़्यादा मतलब भीड़ नहीं है, लेकिन बस आधे घंटे में भीड़ बहुत ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सब लोग यहाँ पर चहलकर्मी करते हुए, सब लोग इंतजार में हैं कि इनके सभी मतलब दोस्त वोस्त फैमिली वैमिली सब आ जाए इकट्ठा, और तब उसके बाद झूला झूलेंगे। और आइसक्रीम वाले, और इनका तो बहुत आइसक्रीम आज दबा कर बिक रहा है, और सबसे मतलब कि जितने भी यहाँ पर आइसक्रीम वाले हैं उनसे बढ़िया ये उन्हीं का आइसक्रीम है जो हम लोग पहले मिले थे। और ये सब भैया खड़े हैं, अभी आप देख सकते हैं पूरा खाली खाली पड़ा है, लेकिन एक घंटे के बाद यहाँ पर मतलब इतना भीड़ हो जाता है कि पैर रखने को जगह नहीं मिलता है। और अभी तो देख सकते हैं यहाँ पर भी भीड़ नहीं है, सब लोग बैठे हैं अपने आराम से, अपने जो भी यहाँ पर बैग वैग टांगे हुए, कॉस्मेटिक का सामान सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं आप, बच्चों का खिलौना, औरतों का चूड़ी, नाखून पॉलिश, लिपस्टिक, बाला बाली सब यहाँ पर बेच रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ही सब बच्चों के खिलौने, कार, गाड़ी, गुड़िया, गुड्डा, बंदूक सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। ये पायल वायल है, अंगूठी उंगूठी है, कान की बालियाँ वालियाँ हैं, देख सकते हैं आप, बच्चों का हेलीकॉप्टर है, ये सब टेम्पू वगैरह सब देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया झुमके हैं, टॉप से टॉप झुमके मिलेंगे मेले में। थोड़ा पैसा फालतू लगता है, 10 का 20 में मिलता है, लेकिन मनपसंद चीज़ें मिल जाती हैं। देखिए यहाँ पर सब क्लिप वगैरह हैं, ये खिलौने विलौने मतलब कि बहुत सारे यहाँ पर आए हुए हैं दूर दूर से, और अपना अपना सब लोग यहाँ पर पहले से इंतजाम करके बैठे हुए हैं, और ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं सभी लोग बैठ करके, पूरी कचौड़ी ताल वाल के बैठे हैं। और यहाँ पर देखिए ये सब मतलब कि इतना बड़ा मेला लगा हुआ है कि घूमते घूमते आदमी थक जाएगा, थक जाता है घूमते घूमते, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, बहुत दूर तक लगा हुआ है, बदतमीजी कर रहे हो ना तुम, मैं कह नहीं सकता कितने किलोमीटर दूर पर लगा हुआ है, लेकिन काफ़ी बड़ा है कर्मा गांव का ये मेला। और कर्मा गांव टोला के पीछे ही लगा हुआ है, वहाँ पर मंदिर भी है, मंदिर के बिल्कुल ठीक बगल में लगा हुआ है, और बहुत ही अच्छा मतलब कि मेला चल रहा है यहाँ पर, और एक से एक झूला भी आया हुआ है, और क्या बोलते हैं कि बच्चों का कूदने वाला भी यहाँ पर आइटम बहुत
मतलब तीन चार कूदने वाला जो है झूला वो भी लगा हुआ है। ये देख सकते हैं कप प्लेट वगैरह सब कुछ है यहाँ पर, बच्चों के बर्तन वर्तन। और ये देखिए दोस्त लोग, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, मिलने जुलने वाले, हाय हेलो कर रहे हैं, देख सकते हैं। बहुत ही मतलब कि मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आए हुए हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, ट्रेन है बच्चों का और ये सब गाड़ियाँ हैं बच्चों को घूमने वाला, बैठ बैठ कर घूमते हैं। आपके घर में कितनी भी महंगी गाड़ी हो, अगर बच्चे एक बार मेले में आ जाएँ तो आपकी सारी गाड़ियाँ भूल जाएंगे और मेले की गाड़ी को यूज करेंगे। और देख सकते हैं, और नीतू ने बाबू के लिए 15,000-16,000 की गाड़ी ख़रीदा है, लेकिन उनकी गाड़ी को पूछता नहीं है। और मेले में देखिए खूब आकर कूद रहा है, झूल रहा है मौज मस्ती से। यही होता है, बच्चे मेले में सब कुछ भूल जाते हैं। ब्रेकिंग डांस है दोस्तों। दोस्तों ये ब्लॉग वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्रेकिंग डांस वाला अभी चालू नहीं हुआ है, भीड़ लगेगा तब चालू होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू। वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।